पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्मार्ट स्टडी के लिए सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर शिप्रा वर्मा एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑफ माय वीडियोस। हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिप्रा वर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर शिप्रा वर्मा में। डियर फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पे मैं चर्चा करने जा रही हूँ वो करंट का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिस पर कि हर जगह बवाल मचा हुआ है। अभी भी हर जगह ये बवाल का कारण बना हुआ है और इसे जानना अत्यंत आवश्यक है कि वास्तव में ये टॉपिक है क्या। जी हाँ, चर्चा करने जा रही हूँ मैं नागरिकता संशोधन कानून 2019 की, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019, यानी कि जिसे कैप के नाम से जाना जा रहा है, जो कि कैप के नाम से प्रचलित हो चुका है जनसाधारण के बीच। तो इसे हम जानते हैं बिल्कुल सरल आसान भाषा में। इसके हर एक पहलू को मैं इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो डियर फ्रेंड्स, नागरिकता संशोधन कानून 2019 क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तीन पड़ोसी देशों के गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता का मार्ग प्रशस्त करने वाला नागरिकता संशोधन कानून पर बवाल मचा हुआ है। ऐसे में कानून के सभी पहलुओं के साथ ही इसके फायदे को भी जानना भी हर भारतीय के लिए अत्यंत आवश्यक व ज़रूरी है। यह किन्हें करता है शामिल, यह कानून किन्हें करता है शामिल? यह कानून पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदुओं, सिखों, बौद्ध, जैन और पारसी और ईसाई अप्रवासियों को शामिल करता है। नागरिकता कानून 1955 के अनुसार एक अवैध अप्रवासी नागरिक को भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती है। अवैध अप्रवासी का अर्थ उस व्यक्ति से है जो भारत में या तो वैध दस्तावेजों के बिना दाखिल हुआ है अथवा निर्धारित समय से अधिक भारत में रह रहा है। सरकार ने 2015 में इन तीन देशों के गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत में आने देने के लिए पासपोर्ट और विदेशी एक्ट में संशोधन किया था। यदि उनके पास वैध दस्तावेज नहीं है तो भी वह भारत में आ सकते हैं। अब जान लेते हैं कि कौन है अप्रवासी। सहज रूप से अप्रवासी का अर्थ उन लोगों से है जो उपर्युक्त 6 समूहों या समुदायों से हैं। इन समूहों के अतिरिक्त इन देशों से आने वाले लोग किसी भी तरह नागरिकता के पात्र नहीं होंगे। यह कानून प्राकृतिक रूप से नागरिकता के प्रावधान में भी छूट देता है। साथ ही यह कानून तीन देशों के 6 समुदाय के लोगों का 11 साल भारत में रहने की अवधि में भी छूट देता है। इस कानून द्वारा इसे घटाकर 5 साल कर दिया गया है। पहले यह था प्रावधान कि जो अप्रवासी भारत में 11 साल तक रह चुके हैं उन्हें ही नागरिकता प्रदान की जाएगी, तो इस समय सीमा को घटाकर वर्तमान नागरिकता संशोधन कानून के द्वारा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के द्वारा, इसे घटाकर 11 साल को घटाकर 5 साल कर दिया गया है। नागरिकता संशोधन कानून का वास्तविक तथ्य जान लेते हैं। नागरिकता संशोधन कानून का वास्तविक तथ्य क्या है? डियर फ्रेंड्स, नागरिकता संशोधन कानून 2019 संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के मुहर के बाद कानून बना। यह भारत में अवैध रूप से बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, पारसी, जैन, बौद्ध और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता का प्रावधान करता है। सरकार की दलील, सरकार क्या दलील दे रही है इस कानून के बारे में, इसे भी जान लेते हैं। 1947 में भारत और पाकिस्तान के धार्मिक आधार पर विभाजन का तर्क देते हुए सरकार ने कहा कि अविभाजित भारत में रहने वाले लाखों लोग भिन्न मतों को मानते हुए 1947 से पाकिस्तान और बांग्लादेश में रह रहे थे। इस विधेयक में यह कहा गया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान का संविधान उन्हें विशिष्ट धार्मिक राज्य बनाता है, जिसके परिणामस्वरूप इन देशों में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के बहुत से लोग धार्मिक आधार पर उत्पीड़न झेलते हैं। इनमें से बहुत से लोग रोजमर्रा के जीवन में उत्पीड़न से डरते हैं, जहाँ उनका धार्मिक पद्धति, उनके पालन और आस्था रखना बाधित और वर्जित है। इनमें से बहुत से लोग शरण के लिए भारत भाग गए और वे अब यहीं रहना चाहते हैं। विपक्ष का सवाल, विपक्ष क्या कह रहा है और विपक्ष का क्या सवाल है, विपक्ष की क्या आपत्ति है, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं।
प्रमुख विपक्षी दलों का कहना है कि विधेयक देश के करीब 15% मुसलमानों के साथ भेदभाव करता है, जिन्हें इनमें शामिल नहीं किया गया है। हालांकि सरकार ने कहा है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान मुस्लिम राष्ट्र हैं, वहां पर मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, ऐसे में उन्हें उत्पीड़न का शिकार अल्पसंख्यक नहीं माना जा सकता है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि सरकार दूसरे समुदायों की प्रार्थना पत्रों पर अलग अलग मामले में गौर करेगी। अब जान लेते हैं कि किन राज्यों में यह कानून लागू नहीं होगा। पूरे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम को नागरिकता कानून से अलग रखा गया है। लगभग पूरे मेघालय, असम और त्रिपुरा के इलाकों को भी इससे अलग रखा गया है। अलग रखने की क्या वजह है, इसे भी जान लेते हैं। नागरिकता संशोधन कानून के अनुसार यह असम, मेघालय, मिजोरम या त्रिपुरा के आदिवासी इलाके में संविधान की 6वीं अनुसूची के चलते लागू नहीं होगा और यह क्षेत्र बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत इनर लाइन में अधिसूचित है। इनर लाइन परमिट यानी ILP प्रणाली अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम में लागू है। क्या है ये ILP? जान लेते हैं ILP क्या है, यानी इनर लाइन परमिट क्या है। ILP भारत के अन्य हिस्सों के लोगों के लिए एक विशेष परमिट है, जो कि 3 राज्यों में जाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसे ऑनलाइन या व्यक्तिगत आवेदन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही ILP धारक निश्चित तारीख को निश्चित इलाकों की यात्रा की जा सकती है। साथ ही ILP धारक द्वारा निश्चित तारीख को निश्चित इलाकों की यात्रा की जा सकती है। जब इसे बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के अंतर्गत लागू किया गया, तो इसका उद्देश्य राजा के व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए भारत में जो ब्रिटिश शासन था को व्यापार करने से रोकना था। हालांकि 1950 में भारत सरकार ने स्थानीय लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश शासन के स्थान पर भारत के नागरिक इसे ब्रिटिश शासन के आधार के स्थान पर भारत के नागरिक कर दिया। 6वीं अनुसूची और नागरिकता संशोधन कानून से मुक्त क्षेत्र। 6वीं अनुसूची और नागरिकता संशोधन कानून से मुक्त क्षेत्र। संविधान की 6वीं अनुसूची के अनुच्छेद 244(2) और अनुच्छेद 275(1) में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के प्रबंधन के लिए विशिष्ट प्रावधान हैं। साथ ही यह स्वायत्त जिला परिषद को विशेष शक्तियां उपलब्ध कराता है। इन परिषदों को विभिन्न विषयों पर कानून बनाने की शक्तियां भी दी गई हैं, जिसका उद्देश्य आदिवासी इलाकों के विकास और आदिवासी समुदाय द्वारा स्वशासन को बढ़ावा देना है। डियर फ्रेंड्स, नागरिकता कानून कोई नया कानून नहीं है। इसमें तो संशोधन कर यह व्यवस्था भर की गई है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर उत्पीड़न के शिकार उन अल्पसंख्यकों को तय प्रक्रिया के तहत नागरिकता दी जाएगी जो दिसंबर 2014 के पहले भारत आ चुके हैं। इस कानून में केवल अल्पसंख्यकों को इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इस्लाम राजकीय धर्म है। नागरिकता कानून का पूर्वोत्तर में जो विरोध हो रहा है वह शेष देश के विरोध से अलग है। पूर्वोत्तर के लोगों को भय है कि पड़ोसी देशों से आए लोगों को यदि नागरिकता मिली तो उनकी संस्कृति और भाषा के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश में जिस तरह से भय और आतंक का माहौल तैयार किया जा रहा है, यह कहीं से भी उचित नहीं है। निश्चित ही असंतुलित जनसंख्या व्यवस्था को चौपट करने वाली होती है। संसाधन का उपयोग ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। सरकार व्यवस्था करती है कि अपने मूल नागरिकों के लिए, लेकिन मौजूदा समय में सरकार केवल व्यवस्था करती है अपने मूल नागरिकों के लिए लेकिन मौजूदा समय में स्थल पर रहने वाली अतिरिक्त आबादी मूल लाभार्थी के हक को प्रभावित करती है। ऐसे में अगर सरकार निष्पक्ष तरीके से अपने नागरिकों के लिए कोई फैसला ले रही है तो उसका स्वागत होना चाहिए। सरकार राष्ट्रीय हित में अगर काम कर रही है तो उसके लिए हमें तैयार होना ही चाहिए। आपको यहाँ मैं बताती चलूँगी कि ये नागरिकता संशोधन कानून किसी भी तरह से भारत में रहने वाले मुस्लिम नागरिकों के खिलाफ नहीं है। इसे किसी भी धार्मिक
आधार पर, इस कानून को धार्मिक आधार पर नहीं लाया गया है, यह नागरिकता प्रदान करने से संबंधित प्रावधान है। निष्कर्ष व सुझाव, इसके संबंध में क्या निष्कर्ष और सुझाव दिया जा सकता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। राष्ट्रीय महत्व के मामलों को हिंसा के सहारे नहीं सुलझाया जा सकता। हिंसा से तो वैमनस्य ही बढ़ेगा, जबकि जरूरत सामंजस्य बढ़ाने की है। वहाँ से आए लाखों लोग दशकों से पूर्वोत्तर में रह रहे हैं, उन्हें उनके हाल पर नहीं छोड़ा जा सकता। उन्हें नागरिक या शरणार्थी घोषित करने का कार्य करना ही होगा। इस मामले में एक सीमा तक ही उदारता दिखाई जा सकती है, क्योंकि भारत के पास इतने संसाधन नहीं कि वह हर किसी को देश में रहने का अधिकार दे दे। अन्य देशों की तरह भारत को भी यह अधिकार है कि वह जाने कि कौन उसके नागरिक हैं और कौन नहीं। ऐसा करते समय इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि कौन घुसपैठिया है और कौन शरणार्थी। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि तमाम घुसपैठियों ने मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड और आधार कार्ड तक बनवा लिए हैं। वे भारतीय नागरिकों की तरह भारत के संसाधनों का लाभ उठा रहे हैं, जो कि कहीं से भी उचित नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स, यह था नागरिकता संशोधन कानून 2019 से संबंधित वीडियो लेक्चर, जिसके अंतर्गत मैंने बिल्कुल आसान और सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर ज़रूर से पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ इसे लाइक करिए, अधिक से अधिक ग्रुप में इसे शेयर करिए, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, ताकि जो आतंक का माहौल पूरे देश में फैला हुआ है इसे समाप्त किया जा सके जल्द से जल्द, और देश में फिर से अस्थायी रूप से शांति की स्थापना हो सके। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। बेल आइकन को हिट करते समय आप उसे ऑल के सेट पे ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पे आने वाले सभी वीडियो लेक्चर्स से आप अवगत हो सकें। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ, अगले वीडियो लेक्चर सीरीज़ के साथ आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।